close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Hey, hello friends. Hi, this is Mommy J and I welcome you to Mommy J's World. So guys, I am back again with yet another yummy tummy recipe and I'm sure ये रेसिपी जो है guys सबको पसंद आएगी, हमारे बच्चों को भी और हम बड़ों को भी। ये हम सबकी फेवरेट है, बट हम मोस्टली इसे घर पर नहीं बनाते, पर हम बाहर इसे बहुत चाव से खाते हैं एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑन दिस। बट ये बहुत ही सिंपल है तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो गाइज, कोई इसे कहता है स्पाइरल पोटेटोस, कोई इसे कहता है टॉर्नेडोस। अब नाम से तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ लोगों को जिन्हें नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली पटेटोज होते हैं, फ्राइड क्रिस्पी पटेटोज, जो एक स्टिक पे जो है फ्राई किए जाते हैं। आपने देखा होगा बट शायद आपको नाम नहीं पता होगा, बट आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही इजी बना के दूंगी एंड आई एम श्योर आप घर पे ट्राई करोगे कि रेसिपी है ही ऐसी जो एक बार बनाता है तो इसे फिर हमेशा बनाकर खाना प्रेफर करता है गाइस, बिकॉज इट्स सो टेम्पटिंग। तो आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर बनाइए और मुझे अपने और अपने बच्चों के फीडबैक्स जरूर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं स्पाइरल पटेटोस और पटेटो टॉर्नेडोस। और ये आज हम बनाने वाले हैं, ये हम विदाउट मशीन बनाने वाले हैं। इसकी एक मशीन भी आती है जिससे इन पटेटोस को कट किया जाता है, बट आज हम घर पे, हमारे सबके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं होती, सो वी कैन डू इट विद द नाइफ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप वैसे भी इसे कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे गाइस, पटेटोस। तो आप देख रहे हो ये मैंने जो है कच्चे पटेटोस लिए, मैंने विद स्किन लिया, आप विदाउट स्किन भी यूज कर सकते हो। ओके, आप ये इसकी आइस जो है ये निकाल दीजिए। आप इन्हें जो है गाइस पानी में थोड़ा सा सोक करके रख दीजिए ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। इसके अलावा हमें ये स्क्यूअर्स चाहिए होंगे। ये जो स्क्यूअर्स है, स्टिक्स मिलती हैं, ये नॉर्मली अवेलेबल होती है सब जगह पे आजकल। तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मैं उसका भी आपको जुगाड़ बता दूंगी। तो गाइज, ये हमें पानी में सोक करके रखनी है और फिर यूज करनी है। ओके, और उसके अलावा हमें चाहिए मैदा। ये मैंने हाफ कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून के अराउंड मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आप हाफ हाफ भी ले सकते हो, 50-50 करके। देन मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक पेपर लिया है, क्रश करके यूज करूंगी। सॉल्ट टू टेस्ट है, मिक्स हर्ब्स, ये भी चॉइस है आपका, अगर आप चाहो तो यूज करिए। पिज्जा सीजनिंग्स, ये भी अब अगर आप चाहो, ये सारी सीजनिंग्स जो मैं आपको बताती हूँ रिप्लेस कैसे कर सकते हो। ये जो है गार्लिक पाउडर है जो मैंने गार्लिक ब्रेड में यूज किया था, ये वो सीजनिंग है। और ये हमारा जो है रेड चिली पाउडर, घर का कश्मीरी रेड चिली पाउडर, या जो भी रेड चिली पाउडर आपके पास घर पे है आप वो यूज करिए। और ये पेरी पेरी मसाला मैंने यहाँ पे लिया है। तो गाइस, अगर आपके पास ये सब नहीं है, ओके, आप इस मैदे और कॉर्नफ्लावर में जो है आपको काली मिर्च, रेड चिली पाउडर और नमक ऐड करना है। ओके, दिस इज इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे पटेटो कट करने से। तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देती हूँ कि पटेटो को कैसे कट करना है। एक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, समटाइम्स ऊपर नीचे हो जाता है बट देन इट्स ओके। जब ये फ्राई हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सब एक साथ आके इट्स गोइंग टू टेस्ट गुड। ओके, तो आपको ऐसे जो है इन पटेटोस को जो है फ्राई करना है। अब मैंने ये कैसे किया मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी हाथ से ही किया हुआ है। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे, ये जो पटेटो है मैंने इसकी आइस देखिए निकाल ली है, वो जो इसमें बड्स आते हैं ना, रूट्स जैसे, वो मैंने निकाल लिया। अब आप जो है इस गीली की हुई स्टिक को धीरे धीरे जितना हो सके आप इसमें धीरे धीरे इंसर्ट करिए। हमें ये सेंटर से बाहर निकालनी, आराम से करिए आप, कोई जल्दबाजी में ये मत करिएगा। और जैसे आधी इंसर्ट हो जाएगी ना, फिर आपको इसे ऐसे ऐसे टैप करना है। ओके, तो देखिए आलू जो है गाइस सेंटर में आ गया है। मैंने इसे टैप कर करके जो है इसे सेंटर में ले आई हूँ। अब हम क्या करेंगे, आप इसे पील करके भी यूज कर सकते हो गाइस, और बिना विद स्किन भी यूज करते हो। अब ये आप अगर कर सकते हो तो आप हाथ में लेके इसे ऐसे घुमाइए और इस नाइफ को जो है गाइस ऐसे आप क्रॉस में घुमाते रहिए। आप मेक श्योर करिए, पर इतना इजी नहीं होता कि आप जो है उसकी लिंक तोड़े ना, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टूट भी जाए तो ये देखिए, आप बस नाइफ को और थोड़ा एक हाथ से पटेटो को जो है गाइस ऐसे घुमाते रहिए। देखिए, इसकी एक मशीन भी आती है, सिंपल सा इक्विपमेंट होता है छोटा सा। आप अगर आपके पास वो है या फिर आपको कहीं लोकली वो अवेलेबल होता है तो आप वो यूज कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप ऐसे काट सकते हो, या फिर आप इसे जो है कटिंग बोर्ड पे रख के भी गाइस कट कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो मैंने फिनिश कर दिया ऐसे कट करके। अब आप इसे धीरे धीरे जो है ऐसे घुमा घुमा के लूज करिए और इसे जो है अलग अलग करिए। ओके, तो आपको धीरे धीरे जो है इसे लंबा लंबा कर लेना है। एकदम मोटा भी स्टिक्स मत रखिए, एकदम पतले भी मत रखिए, क्योंकि जब ये फ्राई हो जाएंगे तो गाइज ये और पतले श्रिंक होते हैं। तो गाइज ऑलरेडी एक पटेटो को जो है मैंने समहाउ समवॉट मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया है। तो गाइज ये आप देख रहे हो मेरे दो आलू जो है मैंने ऑलरेडी कट कर लिए हैं, तो ये अब फ्राई करने के लिए रेडी है। ओके, तो अब हम इसे जो है बैटर में डिप कर देंगे और इसे डीप फ्राई कर देंगे गर्मा गर्म ऑयल में। एक बार हम इसे ऑयल में छोड़ देंगे, उसके बाद हम फ्लेम जो है मीडियम कर लेंगे ताकि आलू जो है सब साइड से अच्छे से पक जाए। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस मैदे में जो है इस कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें जो है नमक ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आप क्रश पेपर आप यूज करना चाहते हो तो हाँ, अगर आप सिर्फ रेड चिली पाउडर चाट मसाला यूज कर रहे हो तो आप क्रश पेपर भी साथ में यूज कर सकते हो गाइज। ओके, तो मैं हल्का सा क्रश पेपर यूज करूंगी, ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे हर्ब्स यूज कर रही हूँ इसमें, बट ये इक्वली अच्छा टेस्ट करेगा अगर आप हर्ब्स नहीं भी यूज करोगे गाइस। सो डोंट वरी कि आपके पास हर्ब्स नहीं है तो आप नहीं बना सकते, बट यूजुअली आजकल सबके पास हर्ब्स होते हैं। और ये जो है मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ये हमें कलर के लिए ऐड करनी है, तो आप एकदम तीखी वाली मत ऐड करिए, जो कलर वाली मिर्च होती है वो ऐड करना प्रेफर करिए। थोड़े से हर्ब्स जो है मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सारे मेजरमेंट्स में दे दूंगी गाइस। और ये थोड़ी सी गार्लिक वाली चीजें ये भी मैं ऐड कर दूंगी गाइस। ये मैं थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो करिए वरना आप स्किप कर सकते हो। हल्का सा करिए, बाद में हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे पेरी पेरी मसाला को जब ये टोर्नेडोज बन जाएंगे। अब हमें पानी ऐड करके इसका एक पतला सा घोल बनाना है, एकदम गाढ़ा भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं, बस कि सारा जो है पटेटोज पे कोट हो जाए, इतना गाढ़ा हमें इसका घोल बनाना है। और इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए डीप फ्राइंग के लिए, जो मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ऑयल हमें थोड़ा गर्म चाहिए होगा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं जो है इसे मिक्स कर रही हूँ। ओके, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करिए ताकि जो है एकदम भी पतला ना हो जाए ये बैटर। हमें पतला ही चाहिए बट एकदम भी नहीं, इसकी हल्की सी कोटिंग जो है पटेटोस पे आ जानी चाहिए। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसमें पानी ऐड करके सेमी थिक घोल मैंने बना लिया है। ओके, आप देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी का ही है। ओके, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो बैटर है, ओके ये देखिए सेमी थिक मीडियम थिक जो हमने बैटर को घोल लिया है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है, ओके अब हमें जो है गाइस इसे इस बैटर को जो है इसमें पोर कर देना है अच्छे से। देखिए बैटर हल्का सा जो है इसे पकड़ रहा है, राइट, ये पूरी तरह से ड्रिप नहीं हो रहा, बट हमें मेक श्योर करना है कि हमें बैटर हर एक स्लाइस पे बहुत ही अच्छे से हमें डाल देना है ताकि हमारा हर एक जो है आलू का जो स्लाइस है गाइस इससे कोट हो जाए, इसमें फ्लेवर आ जाए। देख रहे हो मैं कैसे इस पे बैटर जो है गाइस पोर कर रही हूँ। ओके, इसी तरह से जो है हमें सब पटेटोज के साथ करना है। तो अब जो है हमारा ऑयल काफी गर्म हो चुका है, अब हम जो है इसे ड्रॉप कर देंगे इस ऑयल में। मैंने यहाँ पर जो है डीप कढ़ाई ली है, देख रहे हो, और मैंने ऑयल लिया है। इसमें आपको है थोड़ी सी डीप कढ़ाई चाहिए होगी, जिसमें जो है आप ध्यान रखिए कि आपके स्टिक्स जो है बड़े होते हैं, तो आप ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें वो स्टिक की साइज जो है वो अंदर और तो आप अच्छे से डाल सको उसमें, क्योंकि स्टिक्स बड़ी होती है। आलू तो फिर भी छोटा रहेगा बट स्टिक्स हमेशा बड़ी होंगी, तो आप बना लोगे, आप ऑयल गर्म कर लोगे, फिर आपको ध्यान आएगा कि अरे ये तो इसमें जा ही होगी, इसीलिए मैंने ये कढ़ाई ली है। अब मैंने ड्रॉप कर दिया है, देखिए ऑयल गर्म है। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे और गर्म ऑयल को जो है इसके ऊपर थोड़ा उड़ा दूंगी ताकि जो है बैटर पूरा नीचे ड्रिप ना हो और सब साइड से कोटिंग अच्छी हो जाए। और हम फ्लेम को जो है गाइस मीडियम ही रखेंगे और मैं इस तरह से इसे ऑयल से थोड़ा ड्रिजल करते रहेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत टेम्पटिंग बन जाएगी। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कर ली। अब मैंने इसे जो है गाइस पलट दिया है। आप इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, अगर ये कहीं से सिंक नहीं हो रहा, डूब नहीं रहा तो, और फिर उसे फ्राई होने दीजिए। बट प्लीज केयरफुल रहिए, तेल काफी गर्म है। आप देख रहे हैं कितना क्रिस्पी हो रहा है। हमें ऐसे ही गोल्डन कलर पे इसे सब साइड से गोल्डन करना है, क्रिस्प करना है। एकदम हाई फ्लेम पे मत करिए, ऑयल गरम करिए फिर मीडियम फ्लेम पे करिए, बिकॉज फिर अगर एकदम हाई फ्लेम पे करोगे तो पटेटोज जो है कुक नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए इस साइड से भी इसका कलर जो है चेंज हो रहा है, तो दे आर ऑलमोस्ट डन। और अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और फिर मैं दूसरा टोमेटो चाहिए, मैं इसे किचन टॉवल पे निकाल लूंगी। एज आई प्रोमिस्ड यू, मैंने आपको बताया था कि मैं एक दूसरी टेक्निक बताऊंगी। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने जो है पटेटो के स्लाइसेस कर लिए जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। ओके, ये देखिए। और उसे जो है मैंने इन पे है जो स्ट्यू अप कर दिया, मैंने इस पे इंसर्ट कर दिया है। नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप स्पाइरल्स नहीं अगर भी बना पा रहे हो तो आप ये टेक्निक यूज करके जो है गाइस इस डिश को जो है आप बना सकते हो लाइक दिस। और फिर इन्हें स्प्रेड कर दीजिए। ओके, तो आपको सेम ऑलमोस्ट सेम लुक गाइस आ जाएगा। फिर आप इसे जो है बैटर इस पे पोर कर लीजिए जैसे हमने बाकी किए थे, और फिर यू कैन डीप फ्राई देम। वन मोर थिंग, अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है, मैंने आपको उसका भी ऑप्शन दूंगी, मैं आपको बताया था, तो आप टूथपिक्स यूज करिए और इन्हें जो है स्मॉल साइज में बनाइए। ओके, अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है। एक और चीज जो है मैं मेंशन करना भूल गई थी गाइस कि आपको जो है लंबे साइज के पटेटोज यूज होंगे, इसमें लंबे पटेटोज चाहिए जिससे हमें जो है ये इफेक्ट आएगा। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। सो गाइस, एज यू कैन सी हमारे स्पाइरल पटेटोज पटेटो टॉर्नेडोज जो है वो रेडी है। यू कैन सी ये जो है मैंने आपको चिप्स की तरह जो कट करके दिखाया ये वो वाला है गाइस, और ये जो है मैंने राउंड आपको नाइफ पे कट करके दिखाया था ये वो वाला है। इसपे मैंने जो है गाइस मेयो और जिस केचप को मिक्स किया है थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला के साथ और एक स्क्वीजी बॉटल में डाल दिया था, और इसे बस ऊपर से मैंने एज अ यू नो डिप एज अ ड्रेसिंग मैंने उसको सर्व किया, और थोड़ा सा मैंने पेरी पेरी मसाला जो है गाइस वो स्प्रिंकल किया है इस पे। एंड यहाँ पे जो है आप देख ही सकते हो मैंने बनाया है तिरंगा, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, मैंने वही डिप यूज किया है जो यहाँ पे डाली है, मेयो है और एक ग्रीन चटनी है। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, और जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिए, और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं जल्दी वापस आऊंगी ऐसी ही हैपनिंग रेसिपी के साथ। अंटिल देन, मॉमी जे साइनिंग ऑफ।